प्राइस की बात कर ले तो 285,300 के अप्रोक्स आपको पड़ने वाली ऑन रोड प्राइस, वो भी झारखंड रांची में। कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह सारा स्क्रीन पे आ रहा होगा, नीचे भी मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में जाके चेक कर। तो क्या क्या अपडेटेड हुआ, क्या क्या चेंजेज हुए, सारा कुछ हम एक एक करके जानकारी देंगे। पहले तो लुक वाइज देख सकते हैं काफ़ी मतलब बेहतरीन लग रही है ब्लैक कलर कॉम्बिनेशन में, ये आप खुद जहाँ तक देख पा रहे होंगे। और मीटर कंसोल में भी चेंजेज है, कुछ कुछ अपडेटेड है, कुछ कुछ मोड है। और हेडलाइट सेटअप फुली जो है ना, पहले जो आती थी 390 में, सेम आपको 250 में भी मिल रही है। देख सकते हैं काफ़ी प्यारी लग रही है यहाँ पे DRL और हजार्ड लाइट वगैरह LED फ्लेशर में, जो काफ़ी बेहतरीन है। और ये तो और मिरर वगैरह तो लगा हुआ है। बहुत लोगों को कन्फ्यूजन था कि प्राइस में चेंजेज, तो प्राइस में चेंजेज नहीं, जो पहले का प्राइस था वही प्राइस में आपको इतना सारा कुछ ऐड करके मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ काफ़ी बेहतरीन हो गया और काफ़ी बेहतरीन है भी, तो आराम से आके अपना परचेज कर सकते हैं और लेके जा सकते हैं। कलर ऑप्शन इसमें जो अपडेट आ गया ना, ये ब्लैक ब्लैक तो काफ़ी बेहतरीन लग रही है। बाइक भी फुल फिटेड है, इसमें कोई भी चीज़ ऐसा नहीं कि एक्स्ट्रा फिर कुछ लगाने का जरूरत है, इसमें कम्प्लीटली खड़ी यहाँ पे लेग गार्ड वगैरह हर चीज़ यहाँ पे लगी हुई है। तो फ्रंट से ये सारा कुछ हो गया, लेफ्ट साइड से लुक वाइज देख ही सकते हैं सेम है, मतलब ब्लैक कलर का एलोवील वगैरह कर दिया तो और भी बेहतरीन लग रही है। इसमें ऑरेंज कलर कहीं देखने के लिए मिल रही है, तो वो इस जगह पे ड्यूक और ये 250 लिखा हुआ। तो इतना हो गया बाइक E20 OBD2 कम्बलाइंड के साथ BS6 फेस टू मॉडल जो भी चल रही है प्रेजेंट टाइम में। मीटर कंसोल देख सकते हैं, अब इसमें क्या क्या अपडेटेड है, क्या क्या चेंजेस है, वो हम वीडियो में आगे आपको दिखाएंगे। लेफ्ट साइड इधर हैंडलिंग वगैरह देख सकते हैं इसका, यहाँ से आपको सारा डिस्प्ले का जो कंट्रोलिंग है मोड चेंज कर सकते हैं, क्यूक शिफ्टर वगैरह सारा कुछ, स्लीपर क्लच और क्यूक शिफ्टर के साथ आपको यहाँ पे मिल रही है। और प्राइस तो पता ही वही है सेम, प्राइस में कोई ज़्यादा चेंजेज नहीं है। स्प्लिट सीट का ऑप्शन ग्रेबरेल इसका देख सकते हैं, दोनों साइड से काफ़ी प्यारी दी गई है। इधर साइड देखा जाएगा आपको इंडिकेटर LED फ्लेशर और नंबर प्लेट का लाइटिंग, टेल लैंप भी जो है ना LED में अपडेट कर दिया गया है। नंबर प्लेट का प्लेसमेंट इस जगह पे किया गया। टायर सेक्शन सेम जो पहले आते थे 150 सेक्शन का, सेम टायर सेक्शन यहाँ पे भी मिल रही है आपको 150 का और 17 इंच एलॉय व्हील के साथ ट्यूबलेस टायर। और वाइब्रे का सिंगल पिस्टन कैलिपर ब्रेकिंग सिस्टम, पीछे में भी ABS मिलता, ट्रैक्शन मिल जाता, फ्रंट में भी आपको ABS में मिलता है क्योंकि ये डुअल चैनल ABS है। और फ्रंट एंड रियर पीछे में आपका ट्रैक्शन वन ऑफ सुपर मोटो का भी ऐड किया है, जो आगे हम मीटर कंसोल पे जाने के बाद दिखाएंगे। नेक्स्ट यहाँ पे फ्रंट में भी जो टायर सेक्शन सेम थी वही सेम यहाँ पे भी देख रही हूँ, 110/70 और 17 इंच और डुअल पिस्टन कैलिपर, नहीं टोटल 4 पिस्टन कैलिपर यूज हो गया पे वाइब्रे का। और ये तो पता ही आपको रिफ्लेक्टर, इधर ABS चैनल सेंसर वगैरह, डिस्प्ले का साइज ही तो आपको पता ही कि आपको इस रेंज में इतना सारा फीचर्स और इतना सारा बिल्ड क्वालिटी बेहतरीन और पता ही पावर नेक्स्ट लेवल होता है KTM का। तो यहाँ तक ओवरऑल सारा कुछ हो गया। और इंजन में पावर परफॉर्मेंस वगैरह जो पहले थी ना वही सेम है, कोई ज़्यादा चेंजेज यहाँ पे आपको नहीं मिलेगी। और तो और फुटरेस्ट वगैरह सेम फोल्डेबल जो आती थी, सस्पेंशन मोनो सस्पेंशन साइड में इनबिल्ड और लेग गार्ड तो वहाँ पे लगा है। इंजन तो पता ही आपको कि लिक्विड कूल्ड स्टार्टिंग से आ रही, जब किस कोई भी बाइक में आपको ना लिक्विड कूल्ड नहीं दिख रही थी उस टाइम आपको KTM प्रोवाइड कर रही थी हर एक बाइक में लिक्विड कूल्ड के साथ, और आज भी आ रही है। तो यहाँ पे भी देख सकते हैं आप इसका लिक्विड कूल्ड दिया गया, रेडिएटर और फैन भी इसका अंदर लगा हुआ है, कैटलिक कन्वर्टर और सारा कुछ, ये ब्रेक पेडल वगैरह देख सकते हैं इसका ना। सबसे बेहतरीन कोई चीज़ लगता है तो इसका चेजिस वगैरह जो आता है ना अलग लेवल का आता है, इसका ना चेजिस आपको किसी से मिलता जुलता नहीं आपको दिखने वाला कोई भी बाइक में। और उससे भी बेहतरीन कर दिया ना कि एग्जॉस्ट इनबिल्ड यहीं पे नीचे, पहले क्या था ना कि बीच में इसका 250 का इधर साइड में हो गया था, तो ये भी चीज़ काफ़ी बेहतरीन लगने लगी, मतलब खाली खाली लग रही है, एक स्पोर्ट बाइक जैसा होना चाहिए ना वैसा फील आ रही देखने में। और बाइक पे बैठने के बाद तो पता ही आपको कि सुपर बाइक जैसा लगती है, क्योंकि जितना कंफर्टेबल इसका हैंडलिंग वगैरह दिया गया है जो आपको खुद पता है। फ्यूल टैंक ओपन करने के लिए मैनुअल की से ही ओपन करना पड़ेगा, KTM का स्टिकर यहाँ पे, और ये सारे जो देख रहे हैं ना ये प्लास्टिक फाइबर है बट टैंक जो है फुल्ली मेटल है, तो कहीं ना कहीं ये भी चीज़ काफ़ी बेहतरीन है। फ्रंट सस्पेंशन USD फॉर्क अप साइड डाउन और तो और मिरर वगैरह ये सारा कुछ तुम देख लिए। अब आते हैं हम बटन कंट्रोल, उसके पहले एक चीज़ बता दें, ये इसमें ना क्विक शिफ्टर लगा हुआ है। साइड स्टैंड में ऑटो कट ऑफ का स्विच, साइड स्टैंड फोल्ड मतलब ओपन करता है बाइक आपकी, बंद फोल्ड करते तभी स्टार्ट होगी, ठीक है। तो यहाँ तक कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पे मिलता है आपको पासिंग का स्विच, ये इधर हजार लाइट का बटन, यहाँ पे MID का, ये डिस्प्ले का सारा कंट्रोल, लेफ्ट राइट इंडिकेटर, हॉर्न, इधर इंजन किल स्विच और सेल्फ स्टार्ट का बटन के साथ। इसका हम आपका जो एग्जॉस्ट नोट है ना वो भी आपको चेक कराएंगे हम कि क्या इसका एग्जॉस्ट नोट है कैसा है। और इसको मोन करते हैं तो मीटर कंसोल इसका देख सकते हैं कुछ इस तरह के एनिमेशन के साथ, लेफ्ट राइट इंडिकेटर यहाँ पे मिलेगा आपको, लेफ्ट राइट साइड स्टैंड भी बता रही है जिस पे लगी हुई है, स्पीडोमीटर RPM मीटर इंजन चेक लाइट और लो फ्यूल वार्निंग हो गया। अब आते हैं हम नीचे तो यहाँ पे ये देख सकते हैं फ्यूल रिजर्व, और ये तो आ गए हम फिर से वहीं पे। तो उसके पहले मैं एक चीज़ दिखाएंगे आपको कि यहाँ पे इसको हम ऑफ कर लेते हैं, ठीक है,
तो इसको हम ऑफ कर लिए। अब यहाँ पे आते हैं हम और दिखाते हैं एक एक चीज़। लेफ्ट टाइमर, ठीक है, ये अपना डिलीट कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं जैसा आपको सही लगे। और नीचे करते हैं, यहाँ से नीचे होगा, ठीक है, नीचे तो आ गए मोटरसाइकिल पे। अब इसको इसमें आते हैं तो दो मोड ऐड हो गया, एक ट्रैक मोड, एक रोड मोड, ठीक है, दो चीज़ हो गया। यहाँ पे आते हैं ABS में जो अपडेट हुआ है, आ गए तो रोड और सुपर मोटो, इसमें ट्रैक्शन आपका हो जाएगा, पावर हेवी मिलेगा आपको और बाइक का जो स्पीड है वो नेक्स्ट लेवल हो जाएगी। बैक आते हैं और ये तो हो गया सुपर मोटो, ट्रैक मोटो और ABS, दो चीज़ जो अपडेट था वो चीज़ हम आपको बता दिए। नेक्स्ट बाइक इन्फो, उसके बाद आ जाते हैं, इसमें भी चेक कर देते हैं हमको कूलेंट टेम्परेचर, फ्यूल रेंज वगैरह जो सारा कुछ दिया गया, बैटरी वोल्ट, ओडोमीटर, सर्विस वगैरह जो भी है वो। तो यहाँ पे आप हम ना ये चेक कर सकते हैं, ओडोमीटर, सर्विस, सर्विस आपको ड्यू टू 987 मतलब 1000 किलोमीटर के बाद आप इसका सर्विस करवा सकते हैं, सॉफ्टवेयर का अपडेट ये चीज़ बता रहा है यहाँ पे। नीचे आते हैं वार्निंग, ठीक है, अब हम बैक आ जाते हैं, फिर से आते हैं इस जगह पे, तो अब ट्रिप वन ट्रिप टू जो अपना सेट कर सकते हैं और रिसेट भी कर सकते हैं जैसे आपको सही लगे। और तो यहाँ पे सेट एंड ओवरव्यू ये भी जो दिया गया है वट एवर, रिसेट ट्रिप वगैरह अपना सारा कुछ कर सकते हैं। यहाँ पे बैक आ जाते हैं ट्रिप टू, अब यहाँ पे जो है ना ये सारा कुछ जो नेविगेशन, म्यूजिक वगैरह जो दिख रहा है ये आपका अनलॉक होने के बाद ही कुछ कर सकते हैं। सेटिंग पे आ गए, अब सेटिंग पे आने के बाद अब हम चेक कराते हैं हम आपको कि फेवरेट, यहाँ पे आते हैं तो फेवरेट वन फेवरेट टू, मतलब ये कंसोल जो है ना अपने अकॉर्डिंग अपना सेट कर सकते हैं जैसा आपको सही लगे कि क्या हमको किस जगह पे रखना है। बैक आ जाते हैं, ये जो देख रहे हैं मतलब ये हो जाता है आपका क्यूब सेलेक्टर, जो अप और डाउन करके मतलब कोई भी चीज़ ऐसे होता है कि हमको तुरंत रिसेंटली कोई चीज़ सेट करना है तो वो चीज़ अपने यहाँ पे सेट कर सकते हैं आप, या तो डाउन में मान लीजिए अप में शॉर्ट कर, ऐसे हम मान लीजिए डाउन में शिफ्ट करके रखें, ठीक है, राइड मोड, अब यहाँ पे ABS ट्रिप, मतलब जो चीज़ आपको सेट करके रखना हो, ऑडियो या तो नेविगेशन, बाइक इन्फो, मतलब आपको कोई भी चीज़ यहाँ पे अपना मान लीजिए ABS हम सेट करके रखें तो ये अप में हो गया आपका राइड मोड और नीचे में हो गया ABS, तुरंत जो अपना चेक कर सकते हैं, ये हो गया राइड मोड, ये ABS, ठीक है। अब आता है कनेक्टिविटी, तो फ़ोन कनेक्ट कर लेना है, ब्लूटूथ पेयरिंग, हैंडसेट पेयरिंग, हैंडसेट टाइप, ये सारा कुछ, यहाँ पे हेलमेट वगैरह भी है जो आपको कनेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट बैक आते हैं क्यूक शिफ्टर, ये भी आप अपना ऑफ कर सकते हैं, ऑन कर सकते हैं, ऑफ होने के बाद ये रेड हो जाता है, वैसे ऑन करने के बाद ग्रीन, ये हो गया आपका। बैक आते हैं शिफ्ट लाइट, ये तो 1000 किलोमीटर के बाद ही होगा तो इसको तो कुछ नहीं कर सकते, तो इतना सारा कुछ यहाँ पे हो गया। कीज वगैरह सेम कीज जो पहले आती थी, इसमें कोई चेंजेज आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा और सेम कीज अभी भी आ रही है। बाकी इधर तो पता ही आपको सारा कुछ देख लिया, अब इसका बात कर लेते हैं, फ्यूल टैंक कैपेसिटी वगैरह तो सेम है, कोई ज़्यादा चेंजेज नहीं है कहीं से। और एक बार हम इसमें बैठ के चेक कर लेते हैं कि सीट हाइट वगैरह कैसी लग रही है और बाइक का वेट, तो जहाँ तक सीट हाइट का बात कर लेना तो काफ़ी दिख सकते हैं, मतलब मेरा जो हाइट है 5 फीट 7 इंच, उसके बाद भी देखते हैं इजी वे में पैर जो है नीचे आ जाता है। हैंडलिंग वगैरह देख ही सकते हैं काफ़ी बैलेंसेबल है और पता ही आपको कि ड्यूक की बाइक में मतलब KTM की बाइक में कंफर्टेबल बिल्ड क्वालिटी हर एक चीज़ जो होता है ना एक नेक्स्ट लेवल पे होती है, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ काफ़ी बेहतरीन लग रही है आपको। बाकी इसका स्टार्ट करके चेक कराते हैं इसका एग्जॉस्ट नॉट जी कैसा होने वाला है। तो जहाँ तक इसका एग्जॉस्ट नोट का बात करें ना तो इसमें भी कोई चेंजेज आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा, अप्रोक्स जो पहले थी वही है, बस अपडेटेड जो 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 चीज़ था वो सारा कुछ हम कवर कर लिए। और बाकी तो KTM से रिलेटेड ऐसे रिव्यू देखने के लिए आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और कहीं को कन्फ्यूजन है तो पूछ लेना, शोरूम का डिटेल्स के साथ सारा कुछ नीचे मेंशन है, इंस्टा ID वगैरह वहाँ पे भी जाकर DM कर सकते हैं, तो कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट कर सकते हैं, कन्फर्म की जानकारी देते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रिव्यू में, आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।